हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती का एक और नया एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। यदि आप सोच रहे हैं ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश की है तो बिल्कुल नहीं है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, डीएड, बीटीसी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले 3 साल जो है आप लोगों को 15,000 जो है सैलरी मिलेगी, उसके बाद जो है आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी 25,000 पर मंथ आपको दी जाएगी। यहाँ पर जो है क्लास 6 to 8 के लिए टीचर्स की वैकेंसी है, क्लास 9 to 12 के लिए वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट है तो ही आगे तक जो है वीडियो आपके लिए सही रहेगा। क्लास 6 to 8 में यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की वैकेंसी है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला में यहाँ मैथ्स की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसी है। उसके बाद क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की भाषा हिंदी और अंग्रेजी में प्रति विद्यालय 2 पद है, यानी कि एक स्कूल में 2 पद। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की जो वैकेंसी है विज्ञान में फिजिक्स और मैथ्स के लिए, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला में विज्ञान में केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उसके बाद सामाजिक विज्ञान की क्लास 9 से 12 के टीचर्स के लिए, और उसके बाद जो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी जो है वो कहाँ से है, तो झारखंड शिक्षा परियोजना लातेहार से ये वैकेंसी है। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय हेरहंज में शिक्षिकाओं के चयन हेतु आवश्यक सूचना। आवेदन दिनांक 16/12/2023, 16 दिसंबर 2023 5 बजे तक ही जो है स्वीकार किए जाएंगे। चयन हेतु अर्हता यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। सिलेक्शन आप सभी जानते हैं, यहाँ कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं रहेगा। एप्लीकेशन में आप लोगों की कोई फीस भी नहीं लग रही है और यहाँ पर चयन आप लोगों के प्राप्तांकों के आधार पर रहेगा। तो यहाँ पर जो है वांछित अर्हता में देखिए, यहाँ लिखा है कि आपने किसी भी जो है बोर्ड या विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से क्रमांक 1 से 10 पर अंकित जितने भी पद हैं हेतु आवेदन किया जा रहा है तो 50% अंक के साथ स्नातक होनी चाहिए। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं आप तो आपके प्राप्तांकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 8 क्लास और 9 से 12, यानी 1 से लेकर 10 तक जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रशैक्षणिक योग्यता में लिखा है कि क्रम संख्या 6 से 10 के लिए अनिवार्य है बीएड। नेक्स्ट, क्रम संख्या 1 से 4 के लिए कहा है या बीएड होनी चाहिए या इसके समकक्ष परीक्षा, या आपने जो है 2 वर्ष का अगर डिप्लोमा किया है प्रारंभिक शिक्षा में प्राइमरी लेवल का तो भी जो है आप लोग यहां पर एलिजिबल हैं 1 से लेकर 4 तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 4 तक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान क्लास 6 to 8 के लिए बीएड वाले, डीएड वाले, बीटीसी वाले, एसटीसी वाले 2 वर्षीय, अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा भी किया है, बीएड भी किया है तो भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उसके बाद जो है 9 से 12 क्लास के लिए तो बीएड ही चाहिए, ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ में। यहाँ पर जो है झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट यानी जेटेट जो है वो क्लास 6 to 8 के लिए आपका होना चाहिए। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए जो है टेट अनिवार्य नहीं है। तो जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो केवल यहाँ पर जो है फॉर्म डाल सकते हैं 9 से लेकर 12 के लिए, जहाँ पर टेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो अगर आपने जो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड है आपके पास तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएस एंड इकोनॉमिक्स इसके लिए जो है आप फॉर्म डाल सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी यहाँ पर लिखा है कि शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर पहले होगा तो तब जो है सैलरी आपको प्रतिमाह 15,840 मिलेगी। 3 साल जैसे ही आपके पूरे हो जाते हैं यानी 3 साल तक तो आपको यही मिलेगा वेतन, उसके बाद 3 साल संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने के बाद जो है आपके सैलरी में प्रति माह हर माह 50% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, संविदा विस्तार की स्थिति में अगर आप और भी जो है वो आगे पढ़ाना चाहते हैं तो 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। तो आपकी जो है ये 25,000 तक लगभग आपका वेतन हो जाएगा। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य मानी जाएंगी, पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
तो लेटेस्ट जो है वो वीडियो देखिएगा, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल वहां पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वह बालक विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है वो भी, और वहाँ पर आप लोगों को सैलरी के साथ में आवास की सुविधा भी मिलती है। यहाँ पर न्यूनतम उम्र 21 है, अधिकतम 35 वर्ष है, और आयु में छूट जो है झारखंड सरकार के द्वारा कैंडिडेट को दी जाएगी। जनरल कैटेगरी की तो 35 वर्ष ही रहेगी, फीमेल अगर हैं आप, अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, बीसी हैं, तो 38 साल, ठीक है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं तो यहाँ पर 37 साल रहेगी। मेल फीमेल एसटी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की छूट है। अभी आवेदन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मेन वेबसाइट पर आना है। मेन वेबसाइट पर आप लोगों को यहाँ नजर आएगा सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर जो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, वैकेंसी है, तो यहाँ आप ओपन करके देखें। और यहाँ पर आप लोगों को जो आवासीय विद्यालय, बालिका आवासीय विद्यालय है कस्तूरबा गांधी, तो इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे ओपन कर लेंगे आप लोग। इसे ओपन करके ये पेज आपके सामने आएगा, 16 दिसंबर लास्ट डेट है, व्यू 1 MB, ठीक है, तो इसे जो है आप लोग ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा ये पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट में आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट भी जो है यहाँ पर लिख दिया हुआ है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी खुद के साइन करेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में 16 दिसंबर 2023 5 बजे तक दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है, ठीक है। मेन वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी लिंक, ताकि आप लोग डायरेक्ट यहां पर आ सकें। तो आवेदन के साथ जो आप लोगों को क्या क्या रखना है, स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, अपने सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, और अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो प्रमाण पत्र लगा देना है, ठीक है। ये जो है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में ही रहना अनिवार्य होगा। एड्रेस जो है वो आपको ऊपर ही जो है मिल जाएगा, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय हेरगंज, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय, ठीक है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो जरूर लिखें, क्लास 6 to 8 हिंदी, इस तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वैकेंसी अगर किसी भी राज्य की आती है, बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचेगी सूचना। Thank you.